दोस्तों आप ये सामने बॉक्स देख रहे हैं, ये नेजर N20 मास्क का बॉक्स है। ये जो CPAP वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एज ए नेजर मास्क तरह यूज़ करने के लिए हम इस मास्क को यूज़ करते हैं। ये ओनली ओनली नाक पर ही अप्लाई होता है। तो चलिए मैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है वो दिखाता हूँ और कैसा दिखने में होता है रियल में, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस तरह का बॉक्स होता है, हमें इससे यहाँ से ओपन करना होता है और ये इसे निकाल के इस तरह से, और हम इस तरह खोल लेते हैं इसे, ठीक है। इस तरह की इसकी बॉक्सिंग रहती है, इसका बॉक्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉक्स होता है और ये कुछ इस तरह से फिट रहता है इसके अंदर। और हम इसको इससे निकाल लेते हैं, ये यहाँ से निकाल लिया और ये हमने उस पर अप्लाई कर देते हैं ये वाला मास्क। इसकी पत्तियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और ये टूटने का भी इसमें डर नहीं रहता। यहाँ पर ये मैग्नेट लगा हुआ होता है और मैग्नेट से ऑटोमेटिक चिपक जाता है ये। यहाँ से इनको खींच कर हम टाइट कर देते हैं और ये हम नोज़ पर अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरह से। फिर इसमें यहाँ पर ये ट्यूबिंग कनेक्ट कर देते हैं, ये वाली ट्यूब जो है ना, हम ये वाली ट्यूब यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाती है और ये हम हॉस पाइप में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, जो रबड़ है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ये आपके नाक पर जो गड्ढे होने लगते हैं, जो आपके नाक में दर्द होता है, उस चीज़ को रिमूव करता है। ये बहुत ही सॉफ्ट मास्क होता है और इसके साथ ये देख सकते कितनी ज़्यादा सॉफ्ट क्लिफ है, अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से हार्ड है, ताकि इसकी जो मजबूती है मजबूती बनी रहे और इसके अंदर से भी सॉफ्ट रहे, पेशेंट को किसी तरह का अनकम्फर्ट फील ना हो। इसमें इस तरह की एक मैग्नेट रहती है जिसमें जिसके थ्रू ये फिट रहता है। आप ये ट्यूब देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। आप इसे देखते हैं, आप कहीं भी इसे मोड़ सकते हैं, आप कहीं भी अपना सर मुड़ाते हैं, सर घुमाते हैं, आप कैसे भी सोते तो ये ना तो ये टूटती है और मुड़ भी जाती है आराम से आसानी से, तो आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आप जिसे डायरेक्ट आप हॉस्ट पाइप के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो हॉस्ट पाइप यहाँ से टूटने का डर रहता है, बेकार होने का डर रहता है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि आप इसे लगा के आराम से सालों साल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें इस मास्क को फिट कैसे करना है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आपको सिंपली से मास्क को अपने नोज़ पर रखना है। रखने के बाद जो मैग्नेट है, मैग्नेट खोल के रखने के बाद जो पीछे की दो पट्टियां हैं उन्हें इस तरह से ला के लगाना है मैग्नेट को, ठीक है। और लगाने के बाद जो पट्टियां होती हैं ऊपर उन्हें सीधे सीधे खींच कर सेट कर देना है, और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। आप जब सेट कर देंगे तो मास्क टोटली फिट हो जाएगा और जो पतला वाला जी ट्यूबिंग होती है ना, ये वाला ट्यूबिंग का ये पार्ट आपको इसे मास्क के नोज पर जाके लगा देना है, ठीक है। दोस्तों मैं बता दूँ, ये मास्क नेजल मास्क जो है ना, ये आपके CPAP इंस्ट्रूमेंट के साथ ही यूज़ होता है। कि इसके जो मार्केट प्राइस है 6,420 रुपये का है, तो आप इसे कहीं मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट के थ्रेड डीलर से इसे परचेज़ कर सकते हैं।